आपने चोरी की अजब गजब वारदातों के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन बिहार में चोरों ने एक ऐसे कांड को अंजाम दिया है जिसके बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे। चोरों ने इस बार सोने चांदी या किसी पुल की चोरी नहीं की है, बल्कि उन्होंने दुस्साहसिक तरीके से रेल का पूरा इंजन ही गायब कर दिया है। बिहार में डीजल और पुराने ट्रेन के इंजनों की चोरी ने पुलिस की नींद हराम कर दी है। इंजनों के साथ साथ चोर स्टील के पुलों पर भी हाथ साफ करने से नहीं चूक रहे हैं। शातिर चोरों ने बरौनी के गरहारा यार्ड में मरम्मत के लिए लाए गए ट्रेन के पूरे डीजल इंजन को चुरा लिया। चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए चोरों ने बरौनी से मुजफ्फरपुर तक सुरंग भी खोद डाली। पुलिस को घटना की जानकारी मिली तो उनके होश उड़ गए। पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए तीन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। इनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने मुजफ्फरपुर की प्रभात कॉलोनी स्थित एक कबाड़ के गोदाम से इंजन के पुर्जों की 13 बोरियां बरामद की हैं। एक अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान जब यार्ड के पास सुरंग मिली तो पुलिस की टीम हैरान रह गई। इसी सुरंग के माध्यम से चोर यहां तक आते थे और इंजन के पुर्जों को बोरियों में भरकर चुरा ले जाते थे। चोरों ने घटना को इतने शातिर तरीके से अंजाम दिया कि रेलवे अधिकारियों को भी इसकी भनक नहीं लगी। बिहार में इंजन चोरी की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी पूर्णिया में चोरों ने भाप वाले एक पूरे विंटेज इंजन को बेच दिया था। चोरों का दुस्साहस देखिए, ये इंजन सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थानीय रेलवे स्टेशन पर रखा गया था। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि इसमें रेलवे के एक इंजीनियर की भी मिलीभगत थी। इसी तरह का एक मामला हाल ही में अररिया से आया था, जहां चोरों ने सीताधार नदी पर बने लोहे के पुल का ताला खोल दिया था। इसके बाद सुरक्षा के लिए यहां एक कांस्टेबल तैनात किया गया है। बिहार में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि चाहकर भी पुलिस घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। अभी हाल ही में फॉरबिसगंज को रानीगंज से जोड़ने वाले पलटनिया पुल के कुछ हिस्से चोरी हो गए थे। चोरों ने लोहे के कुछ एंगल और पुलिस के अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों को कटर से काट डाला था। घटना की जानकारी मिलने पर पुल की सुरक्षा के लिए एक कांस्टेबल तैनात किया गया है। साथ ही पुल के हिस्सों को चुराने के लिए अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। चोरों का पता लगाने के लिए फारबिसगंज पुलिस दिन रात एक किए हुए है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।